सरिता राव, आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को, हमारे दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबरों के साथ, लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ नए अंदाज में बताना चाहते हैं, क्योंकि किसी का कहना है कि हिंदू खतरे में है और किसी का कहना है मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। लेकिन इसके हट करके एक ऐसी कहानी हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो ये साबित करती है कि आज भी हमारे देश में या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क में भाईचारे की एक मिसाल कायम है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह सकारात्मक कहानी। धर्म हो या जाति हो, इन सबसे बढ़कर होती है इंसान की इंसानियत। क्योंकि अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं होगी तो सोच सकारात्मक नहीं होगी, इंसान का नजरिया अच्छा नहीं होगा और एक बेहतर समाज में रहने के लिए इंसान को अपना नजरिया और अपनी सोच को बदलना होगा, तभी हमारे समाज में और हमारे देश में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो इस आजादी पर आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो पड़ोसी मुल्क में है, लेकिन पड़ोसी मुल्क की कहानी होते हुए भी ये ऐसी कहानी है जो आपकी सोच को, आपके नजरिए को बदल कर रख देगी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ हिंदू परिवार अपना घर और अपनी यादों को छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो कुछ ने वही रुकने का फैसला किया था। जो हिंदू परिवार पाकिस्तान में रुके रहे उनके साथ आज भी शरणार्थियों जैसा बर्ताव किया जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में हिंदुओं की पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए मसीहा से कम नहीं है। इन पाकिस्तानी शिक्षक ने यह साबित कर दिया है कि चाहे बच्चा हिंदू का हो, चाहे बच्चा मुसलमान का हो या किसी भी जाति या फिर धर्म का हो, अगर अपने अंदर इंसानियत है, अगर अपनी सोच इंसानों वाली है, अगर अपना नजरिया इंसानों वाला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बता दें कि पाकिस्तान के कराची में एक ऐसा मंदिर है जिसमें मुस्लिम शिक्षक हिंदुओं की पिछड़ी जातियों के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस मंदिर में बच्चे अपने भविष्य को सुनहरा बनाने आते हैं और बच्चों के इस सपने को साकार करने में IHDF नाम की एक NGO अपना योगदान दे रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची की रहमान कॉलोनी में ये एक हिंदू मंदिर है और इस मंदिर में IHDF की ओर से स्कूल चलता है। इस NGO ने स्थानीय लोगों की अनुमति के बाद ये स्कूल को खोला। पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, खासतौर से कराची के रहमान कॉलोनी में रहने वाले हिंदुओं की दशा तो बहुत खराब है। इन तमाम परेशानियों को, इन तमाम मुश्किलों को दरकिनार करते हुए इन पाकिस्तानी शिक्षकों ने एक अच्छे शिक्षक होने का इतिहास रचा है कि आखिर कैसे एक बेहतर समाज के लिए इन्होंने ना धर्म देखा, ना जाति देखा और ना ही कोई समुदाय देखा। एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने अपनी जान पर खेल करके इन बच्चों को पढ़ाया और लिखाया और पढ़ा भी रहे हैं। आपको बता दें, देश को आज़ाद हुआ 71 साल हो गए, लेकिन आज भी हिंदू और मुस्लिम को लेकर के जगह जगह कुछ न कुछ होता ही रहता है। हिंसा भड़कती है, मार धाड़ होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, राजनीति होती है, लेकिन इन सब से हटकर ये वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इंसानियत दिखती है और इंसानियत के नाते ये लोग ऐसा कारनामा कर जाते हैं। ये लोग उन गरीबों के लिए, उन लाचारों के लिए एक मसीहा बन जाते हैं और फिर इनके नाम का इतिहास रचा जाता है कि आखिर कैसे कि ये भी इंसान उन तमाम लोगों से अलग है। ये इसलिए अलग है क्योंकि इनकी सोच एकदम अलग है। तो एक बेहतर समाज के लिए आज आज़ादी के दिन पे आज हम सब यही संकल्प लेंगे कि हम अपनी सोच को बदलेंगे, ताकि जब सोच बदले तो हमारा देश बदले। जय हिंद। तो देखा आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कि कैसे हिंदू और मुस्लिम ने पड़ोसी मुल्क में एक मिसाल कायम की है जो कि राजनीति से बिल्कुल परे है, उस हिंसा से बिल्कुल परे है जो कि आजकल के लोग नकली चश्मा ओढ़ करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन इन लोगों ने इन सब से हट करके अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, अपने नज़रियों को बदला, तब जाके इन्होंने एक इंसानियत के तौर पर मुस्लिम टीचरों ने उन पिछड़े हिंदू बच्चों को सहारा दिया, समाज में जीने का हक दिया और समाज में रहने के लिए वो हक दिया जिसके वो हकदार थे। इसी की तरह हम फिर से एक और कहानी आपके सामने कल फिर पेश करेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।